बेटा है विद्या, और मुझे अपने बेटे के साथ कैसे पेश आना ये तुम मुझे मत सिखाओ। आइंदा मेरे मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं, मामी नहीं जाएंगी। औरत छोड़ो से। मामी, औरत छोड़ो से। जो पूछना है मुझसे पूछो। छोड़ो से। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। आप झूठ बोलते हो। किसी बात पे यकीन नहीं। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? तो क्या आपने मुजरिम पिता पर यकीन? मेरे पापा मुजरिम नहीं है। मामी, आप ही बताइए सच क्या? क्या मेरे पापा ने मिस्टर ओशन को मारा है? क्या उनके जान लेने की कोशिश की? क्या उन्होंने चोरी की? बिल्कुल नहीं। आपको अपने पापा पर भरोसा है, है ना? तो उन पर यकीन कीजिए। कोई कुछ भी कहे, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि वो मुजरिम नहीं है। उन्होंने कुछ गलत, मेरे बेटे को गुमराह करने की कोशिश मत करो विद्या। गुमराह तो दीदी झूठ बोलकर किया जाता है, सच बोलकर नहीं। और आपके पति निर्दोष हैं, ये हम जानते हैं। उन्हें किसी ने फंसाया है, है ना? भारत, बेटा, पापा जल्दी आएंगे। उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो जल्दी से वापस आएंगे। आप जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ विद्या। मेरे बेटे के मन में जहर घोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अनिकेत की तरह तुम्हें भी इस घर से बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। कितनी बार कोशिशें कर चुकी हैं आप ऐसी, और अब तक क्या हुआ? कामयाब तो नहीं हो पाई ना आप दीदी? इतना मत इतराओ। मैं जानती हूँ कि बहुत बार मेरी कोशिशें तुमने नाकाम की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा सागर मेरे कब्जे में आ चुका है, और इसलिए अब तुम्हें इस घर से बाहर करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। किस बात का गुमान है आपको? इस बात का कि आपने जीजा जी को किसी इल्जाम में फंसाया, या फिर इस बात का कि आपने उन्हें जेल भिजवा दिया? आपको लगता है कि उन्हें फंसाकर आप बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गई हैं? अगर हम आपको बताएं, जिसको आप अपनी कामयाबी समझ रही हैं ना, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उस हार के बाद में एक औरत के पास और कुछ हारने को नहीं रह जाता। एक प्याता के लिए इससे बड़ा पाप क्या होगा? कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आपने दीदी अपने मंगलसूत्र को दांव पर रखा, अपने पति को अपने हाथों जेल भिजवा दी,
बड़ा पाप तो कोई औरत नहीं कर सकती। और अपनी मांग में जो आप सिंदूर लगाती है ना दीदी, अगली बार इस सिंदूर को लगाने के बाद में आप अपने आप को सुहागन मत कहिएगा, क्योंकि आप सुहागनों के नाम पर एक कलंक है। आपका तो नाम सिंदूरा है, पर सिंदूर का अर्थ जानते हैं आप? वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले होंगे। जिस कदर आपने नफरत अपने पति और अपने बच्चे के मन में डाल दी है ना अपने लिए, आपका साया भी आपका साथ नहीं देने वाला है। एक एक कतरा पानी को तड़पेंगे आप, और एक कतरा पानी पिलाने वाला नहीं होगा। विद्या, आपकी ज्यादती अब नहीं सही जाएगी। यही तो चाहती थी मैं। आखिर आपको अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ा। अजी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ विद्या की पैरवी करते देख हैरानी हो रही है तो आप गलत समझ रही है, क्योंकि इसकी और आपकी जो खूब साझेदारी है ना, इसके बारे में मैं बहुत पहले से जानती थी। हाँ, आपके चेहरे से ये जो नकाब है ये आज उतरा है। हमारे चेहरे की फिक्र छोड़िए सिंदूरा, अपने हश्र की चिंता कीजिए। आपने जो साजिश रचकर अनिकेत जी को इल्जाम में फंसाया है उससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, और बहुत जल्द ये सच्चाई सागर के सामने भी आ जाएगी, और उसके बाद ये दुनिया भी कम पड़ेगी आपके छुपने के लिए। बुआ जी, बड़े बड़े खाब देख रही है आप। वैसे आप जानती है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं, सिंदूरा को इस घर से बाहर निकालना किसी इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, आप भी कोशिश कर ही लीजिए। मौके की तरह जी, सिर्फ एक, उसके बाद इस विद्या के साथ साथ आपको भी इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी सिंदूरा नहीं। सिर्फ एक मौका चाहिए ना। हम आपको 5 मौके देते हैं। पांच दिन के अंदर इज्जत के साथ इस घर से बाहर हो जाइए सिंदूरा, वरना हम वादा करते आपको इस घर का दरवाजा हम खुद दिखाएंगे।
चलिए विद्या। ये हुई ना बात। अब ये एक खुली जंग है बुआ जी, बस देखना ये है कि जीत किसे गले लगाती है। चलो बेटा इधर आराम से बैठो और नाश्ता करो। चलो और प्लेट में कुछ बचना ही चाहिए, सब कुछ खत्म होना चाहिए। चलो ये कॉर्नफ्लेक्स ले। भूख नहीं है हमें। कैसे भूख नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख नहीं है मगर जूनियर को तो भूख है ना। चलो खाओ, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए विद्या। अरे आप लोग भी खाइए ना। सागर क्या हुआ? नहीं वो चिनो क्या दीने आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा ही होगा, अखबार वहीं पे रखा हुआ था, हम वहीं से लेकर आए हैं। क्यों ऐसा क्या लिख रहा है उसमें? हमने तो कुछ नहीं देखा। ऐसा क्या लिखा है? घर का दामाद, घर का सबसे बड़ा दुश्मन। जिंदगी जैसे एक सजा बन गई है। पहले अपने ही भाई की दुश्मन कहलाती थी, वो तो चलो झूठा इंसान था, लेकिन अब जब एक कातिल की पत्नी कहलाऊंगी तो इस दाग को तो मैं इल्जाम भी नहीं कह सकती। इस दाग के साथ तो जीना ही पड़ेगा। इतने साल बीत गए लेकिन कुछ पता ही नहीं चला अनिकेत का मुझसे शादी करना, हमारे परिवार का हिस्सा बनना, पता ही नहीं चला ये सब उनकी एक साजिश थी। उन्होंने तो तुम्हारी दी से प्यार ही नहीं किया कभी, वो तो सिर्फ हमारी दौलत से प्यार करते थे, कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दी हमारी से। हद कर दी मेरी और भारत की जिंदगी उन्होंने, कहीं का नहीं छोड़ा।
अगर वो इंसान आपका पति और मेरे जीजा जी नहीं होते तो तुम्हें उनकी जान ले लेता। को माफ करके सही किया या नहीं, लेकिन बेटा मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कहीं वो हमारे परिवार से बदला ले रहे वापस आ गए तो सागर मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम जानते हो कि अनिकेत अपने लालच में इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सागर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। सागर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, तुम जहाँ भी जाओ तुम किससे बात करो किससे बात नहीं कर रहे हो, तुम जो भी खाओ जो भी पियो, तुम कितने बजे उठ रहे हो कितने बजे सो रहे हो, तुम क्या करो, मुझे हर पल की खबर चाहिए। मैं हर पल तुम पर नजर रखना चाहती हूँ सागर, मैं अब कोई चांस नहीं ले सकती, मुझे तुम पर हर पल नजर। अब जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। क्या मैं अपने दिल के खिलाफ जा सकता हूँ? नहीं ना। अरे आपसे बिना पूछे मैं दिल भी नहीं हिलूंगा। किससे बात करने से पहले कुछ भी करने से पहले आपसे पूछूंगा। बस आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। क्या बात है? वो हम आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आए थे, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाइए। सागर तुम जाकर नाश्ता कर लो, मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपका नाश्ता भिजवा देता हूँ। थोड़ा सा खा लीजिए मेरे लिए। आंसुओं से तो मेरी आंखों के नीचे के काले धब्बे भी धुल गए। पता नहीं लोग क्यों छोटे आंसुओं को बदनाम करते हैं। मुझसे आके पूछो इनके फायदे। जी सागर बेटे, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? जी बुआ जी, आज एक बोर्ड मीटिंग है, बस इसलिए। पिछले कुछ दिनों में कंपनी में काफी उथल पुथल हुई है, और वैसे भी अनेक चीजों की जिम्मेदारियां किसी को सौंपनी होगी, तो बस वही करने जा रहा हूँ। तो आपने सोचा है कि आप अनिकेत की जगह किसे देंगे? अरे ऑफ कोर्स दी लेंगे, और कौन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोचा आपने, हमें बहुत खुशी है कि आपने सिंदूरा के बारे में सोचा। बेटा
बेटे आप क्या अकेले जा रहे हैं ऑफिस? जी अकेले ही जा रहा हूँ। सिंदूरा आप नहीं जा रही हैं इनके साथ? नहीं, हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो चले मगर उनका मन नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ उनकी हालत क्या है। सिंदूरा, सागर ने क्या कहा था? सागर ने कहा था ना कि सबको जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए इस घर में, तो इस घर में आप भी तो शामिल हैं बेटे, तो ये नई शुरुआत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। जाइए ऑफिस जाइए साथ में, फिर सागर तो है ही ना आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ जाइए। जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलती तो अच्छा होता, बड़े तो के कंपल्शन नहीं है। चेंज करके आती है। थैंक यू। देखा मेरी दी है, मेरी बात तो सुनेगी। एनीवेज मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जाइए।